अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह इस्तेमाल होते हैं और क्या मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या ग्राफ की जो हम यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्या वो असल में एग्जिस्ट करती है, कि वो प्रिडिक्शंस मैथमेटिकल इक्वेशंस हम यूज़ करके। तो लीनियर रिग्रेशंस सेम तकरीबन उसी साइड का है। कुछ बेसिक्स आइडिया बताऊंगा आपको कि लीनियर रिग्रेशंस क्या होता है और किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ग्राफ्स के जरिए यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही, डिफरेंट सिटीजन लोग बता रहे हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई है लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं की। तो पहले उसको कंफर्म कर दो कि जो रीजंस सोशल मीडिया पे या मुझे जो वो आ रहे हैं क्या उसके मुताबिक है, क्या यही रीजन वैलिड रीजन्स है जिसकी वजह से मार्केट्स कुछ हाथ से मत अपना नहीं अपना रही। तो वो तो देखेंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन लीनियर रिग्रेशंस का इस्तेमाल मैं आज आपको कुछ बेसिक्स, सबसे पहले मैं जो पिछली वीडियो में मैंने कुछ इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज जिगजैग के इंडिकेटर्स वो मैं क्रॉस कर दूंगा तो मैं ग्राफ थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो उसको देखते हैं और फिर आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या मार्केट की जो सिचुएशंस है वो किस साइड होगी, और साथ में हम आपको बताएंगे कि लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इस ग्राफ को देखना होगा। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो लीनियर रिग्रेशन हमारे पास दो चीज़ों का है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। दिस वन इज डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, दो चीजें हैं। कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि वाई और एक्स का जो 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 रिलेशन है वो डायरेक्टली है। अगर हम एक्स को इंक्रीज करते हैं, एक्स को इंक्रीज करते हैं, एक्स को इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स की इस साइड पे जाएंगे, इस साइड पे, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई में कितना इंक्रीज आएगा। तो एक्स की इंक्रीज होने में वाई में जो इंक्रीज आएगा वो हमें बताएगा। इसका जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा वन और x। अब लेमडा वन और लेमडा जीरो, दिस वन इज जीरो, लेमडा जीरो, ये सब में क्या चीज है, तो इस चीज के बारे में, ये हमारे पास कोफिशियंट्स ऑफ रिग्रेशन है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो आप कोई आपने ये इस्तेमाल भी किया, लीनियर इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू व्हाट इज c, c इज कांस्टेंट, सही है। तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट जितना इंक्रीज होगा तो उतना ही ये लीनियर इक्वेशन भी उसके लिहाज से इंक्रीज होगा। अब क्या मतलब हुआ, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे है तो वाई की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वन है तो वाई फॉर एग्जाम्पल टू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स को मैं थ्री कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, तो आया वाई में इंक्रीज कितना आएगा, तो वाई में इंक्रीज आएगा फॉर एग्जाम्पल थ्री। तो टू से बेशक थ्री तो गया लेकिन यहाँ से वन भी थ्री हुआ, तो इंक्रीज एक्स एक्स की बदौलत हम वाई की इंक्रीज को देखते हैं कि सर ये है कि अगर एक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, इस चीज को हम देख रहे हैं। एक्स को इंक्रीज, अब देखिए ना लीनियर इक्वेशंस, ये ग्राफ मैंने अपने उसे यही इस तरह बनाया हुआ है, आप कुछ डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊँ तो देखिए, मैंने अगर देखिए इस तरह का एक ग्राफ बना दिया, सही हो गया। अब देखिए अगर इसको और इस दोनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एक्स में छोटा इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंटेशन मतलब इंक्रीज, बहुत बड़ा चेंज आपको देगा। जितना एक्स इंक्रीज होगा तो वाई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, बड़ी होगी। सेम इसी तरह जितना एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी तो वाई की वैल्यू भी स्मॉल होगी। तो ये लीनियर इक्वेशंस है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लीनियर रिग्रेशंस हमें बता रहा है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेशक ग्राफ तो लीनियर नहीं हो सकता, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ग्राफ जिगजैग हो सकता है, ग्राफ में फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन अगेन वही चीज आ जाती है कि किसी हाफ डोमेन के अंदर, तो उस डोमेन के अंदर हम उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये डॉट्स आपको ऐसे समझ ले कि अगर ये कांस्टेंट लाइन है तो ये ग्राफ इस तरह कुछ है, ये इस तरह कुछ है, ये सपोज कर दे ये आपका ग्राफ है, तो आप ये कह सकते हैं
कि इस डोमेन के अंदर फ्लक्चुएशंस ज्यादा है, इस डोमेन के अंदर फ्लक्चुएशंस है, लेकिन ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस डोमेन के अंदर ये ग्राफ कांस्टेंट है, ये आप कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अच्छा, मल्टीपल, अब देखिए ना यहाँ पे तो आप दो पॉइंट्स लेंगे, लिम्डा नॉट और लिम्डा वन लेंगे, लेकिन अगर आपके पास फ्लक्चुएशंस, अगर आप कोफिशिएंट इसके, अगर आप ग्राफ को देख ले और ग्राफ में दो से ज्यादा पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पॉइंट्स है तो चले आप ये ले लेंगे, लेकिन पॉइंट्स मोर देन टू हो तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे, लिम्डा नॉट से लेकर वन एक्स वन प्लस लिम्डा टू एक्स टू, इस तरह ये जाता जाएगा। और एम एम हम लेमडा को दे देते हैं और एन हम एक्स को दे देते हैं, तो एम एन और एक्स एन तक जाएगा, सही है। ग्राफ की फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो डिपेंड, अगेन वही चीज आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कि बेशक अगर मैं एक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वाई में इंक्रीज आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आप ग्राफ की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या इसको हम ग्राफ में किस तरह हम इसको हासिल कर सकते। देखिए आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स में आना होगा, ये जितने भी इंडिकेटर्स है, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, तो हम उसको एक एक नंबर से हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला अगर आप, मैंने इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया, इसके थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, लीनियर रिलेशंस एल आर सी, इसको आप लेंथ, मैंने इसका डिफॉल्ट सेंड किया हुआ है। ओके मैं इसको, अगर तो ये हमारे पास, इसको हम रेड की बजाय इसको वाइट रख लेते हैं, सही है। स्केलर्स भी हो गया, इनपुट भी हम इसका सेट कर देते हैं, इसको मैं 20 करूँ, ये सही हो गया। देखिए तो ये लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे, देखिए आप सिंपली यहाँ पे अगर मैं, तो माउस से मैं इसको 4 हॉर्स में इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सॉरी सॉरी। देखिए लीनियर रिग्रेशंस के बारे में, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक्स को, अब देखिए ना यहाँ पे अगर आप इसको देख लें, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे है, वो डाउनवर्ड है। अब मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो अगर इस साइड पे है, देखिए मार्केट के ट्रेंड को आप देख लें, अब आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर मैं इसके लिहाज से इसको ड्रा करने की कोशिश करूं, तो देखिए दो दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया वाई एक्सिस हो गया, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लक्चुएशंस किस किस्म की आएगी, लेकिन अगर हम इसका दूसरा ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। ये हम बता रहे हैं कि अगर ये देखें, तो अगर आप ग्राफ को देखें, वहां पे तो हमने कहा कि जो ग्राफ बनाएगा वो एक कांस्टेंट डोमेन के अंदर, लेकिन यहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन शो हो रहा है, इतना मार्केट अनस्टेबल है कि वहां पे, कि यहाँ पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कोई प्रॉपर आपको आंसर नहीं मिलेगा कि मार्केट क्या सिचुएशन होगी वहां पे। तो हमने कहा था कि बेशक किसी हार्ड डोमेन के अंदर इस तरह अगर हम कर ले तो थोड़ी बहुत इसकी समझ आ जाएगी हमें, किसी हार्ड डोमेन के अंदर हम उसका वो करते हैं, मार्केट की सिचुएशन देखते हैं, लेकिन डोमेन के अंदर, अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर भी लिया, लेकिन स्टिल स्टिल यहाँ पे कोई कांस्टेंट वो नहीं है कि हम कहें कि मार्केट इस डोमेन के अंदर कांस्टेंट, लेकिन एक्स एक्सिस को उसने बाहर चला गया है, तो डिपेंड करता है। अब देखिए हाँ एक और चीज, आप ग्राफ को जितना कंपैक्ट करोगे तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वो क्या होगी, किस साइड पे हम ज्यादा है। एक और चीज,
हम ग्राफ की यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, याद रखिएगा कि लीनियर रिग्रेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ मैं अगर आपको ये वाला, तो ये हमें असल में ये भी बता रहा है कि मार्केट का जो 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 ग्राफ का ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ यहाँ पे देखिए, ये हमें सिंपल ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे आप इस तरह कर लें कि सेल कर दें यहाँ पे बाई कर दें। सेम इसी तरह ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे बाई कर दें यहाँ पे सेल कर दें, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज डाउनवर्ड है। तो याद रखिएगा अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई पे ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर एक्स को थोड़ा भी इंक्रीज करें तो वाई तो बेशक डिक्रीज हो रही है किसी हास कांस्टेंट डोमेन के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीज हो रही है अगर एक्स को इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई भी क्या होगी, वाई भी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे अगर हम एक्स को अगर मद्देनजर रखें तो एक्स हमारे पास क्या है, डाउन टूवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीज हो रही है, मार्केट क्रैश होने की है, मार्केट की वैल्यूज है, मार्केट की जो करेंसी है वो डिवैल्यू होने वाली है, उसमें अनस्टेबल है आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन टू वर्ड है तो मतलब क्या हुआ, अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई क्या होगी, वाई भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने कहा कि इसी हाँ कांस्टेंट डोमेन के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्टली का मतलब ये कि अगर ये एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ भी इंक्रीज, अगर एक तरफ डिक्रीज तो दूसरी तरफ भी डिक्रीज होगा। जिस ज्यादातर हम एक घंटे के ग्राफ में इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए ये हमें सिंपल ये बता रहा है ये ग्राफ कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे ये वाला, यहाँ पे सेल, यहाँ पे अगर आपने बाय किया इस पॉइंट पे तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए था, अब यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो यहाँ पे आपने सेल करना चाहिए था, यहाँ पे बाय किया तो फिर यहाँ पे सेल करना चाहिए, यहाँ पे अब बाय करने की बारी है तो आपने सेल कहाँ पे करना होगी, ग्राफ को देखते हुए अगर ग्राफ ओवर की तरफ ट्रेंड है तो आपने वहां पे सेल करना, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ यहाँ तक आ जाए तो आपने यहाँ पे सेल करनी होगी। फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ चल जाए, अब ये जो ग्राफ का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, ग्राफ का ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें पिछले, खैर यहाँ पे देखिए अब ग्राफ का जो ट्रेंड है वो अगेन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो ग्राफ का ट्रेंड देखिए यहाँ पे सेल करना चाहिए था आपको। तो इसी तरह ग्राफ के ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है कि ग्राफ का ट्रेंड किस साइड पे है और किस सिमत पे है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। लेकिन ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि आपने इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करना होगा कि बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये भी आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे आपने बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, तो अगर आप इस लाइन को देखें तो 1 आवर के ग्राफ में इसका जो जो लीनियर रिग्रेशन का जो ग्राफ है, लाइन है, और जो इंडिकेटर्स का जो वो है वो बिल्कुल सेम जा रहे हैं। तो मतलब ये कि ये इतना एक्यूरेट है कि ग्राफ की जो फ्लक्चुएशन है उसको भी वायलेट नहीं कर रहा, उसकी बिल्कुल सिमत में ही जा रहे हैं। आप देख लें यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह ग्राफ ऊपर की तरफ, उसी तरह जो लाइन है लीनियर रिग्रेशन का वो भी ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत कम जगहों पर आपको मिलेगा कि वो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। जिस तरह की अगर यहाँ पे देखें तो बेशक यहाँ पे तो टॉप पे आपको बता रहा है कि सेल कर दो, लेकिन यहाँ पे अगर बाई किया है तो देखिए यहाँ भी थोड़ा मसला है, यहाँ ग्राफ की और लीनियर रिग्रेशन का जो लाइन है वो एक दूसरे पे डिपोजिट नहीं हो रहा। इसको चाहिए था लीनियर रिग्रेशन का लाइन कि यहाँ से आता ऊपर चला जाता और फिर नीचे चला नीचे आता, तो इन चीज का भी आपने ख्याल रखना होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों को भी चाहिए कि इसको भी थोड़ा देख लिया करें ट्रेडिंग से पहले, मार्केट में ऑन होने से या आउट होने से पहले आप इसको भी काइंडली देख लिया करें। थैंक यू वेरी मच।